कौंसलर की मीटिंग ही उदे च कोई 5-7 मेगा प्रोजेक्ट आए थे जेडे प्रोजेक्ट जियां मतलब कि ड्रीमलैंड पार्क टू अगे तक जिन्ना भी है सैकेट तक जी पुलै पुल तक जो पाथ बनना फिर उधरों एक उन्हें गुरुद्वारे तक बनना फिर बोलियां जां नौ बोलियां एक प्रोजेक्ट है फिर एक मेगा स्टोरी वो है मल्टी स्टोरी पार्किंग ये बननी है ये सारी मीटिंग हुई उसने पास करी थी राहुल सारे सांसद करी। सर आप विपक्ष के हैं आपने क्यों कैसे जो है क्या आप उसके समर्थन में थे क्या आप विपक्षी पार्षद हैं आपने कोई क्या ऐसा हुआ जो हमारे लोगों की भलाई के लिए है हम उसके समर्थन अपने की जो कबाड़ हुई चीज़ें हैं या नई चीज़ें जो परचेज की गई हैं उनमें पारदर्शिता नहीं थी क्या इस पर कोई आश्वासन प्रधान की तरफ से या बिल्कुल हमने देखिए प्रधान की तरफ से नहीं हमने तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रधान उसको चेयर कर रहा है हमने सीधी बात कही कि जितनी भी चीज़ें हैं पहले तो हाउस में उसकी लिस्ट रखी जाए ना आपको कितनी चीज़ों का ऑप्शन करना है आपके पास क्या है ऐसा कितनी रेडीज हैं टूटी हुई जिसका आपको ऑप्शन करना है कितने डस्टबिन्स हैं कितने एसीज डिफंक्ट हैं ख़राब हैं क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं पहले वो लिस्ट तो सामने आए फैसला तो उसके बाद होगा ना ऑप्शन का ये सारी चीज़ें लिखी हैं आप देखते हैं अगली लिस्ट में अगर अगली मीटिंग में ये नहीं दिखाते हैं वो लिस्ट तो हम विरोध करेंगे ना उसका अच्छा। हम उसके साथ नहीं चलेंगे क्योंकि हमें सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाइट पेपर पे चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे है क्या क्या हमें बेचना है और हमें उससे कितना पैसा लगभग आएगा जिससे हम आगे का काम कर सकते हैं यानी कल की अगली मीटिंग जो भी होगी अगर वो आपकी जो समस्याएं हैं अगर उस पर प्रधान पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं तो क्या आपके आपका विरोध या अविश्वास प्रस्ताव मान लिया जाए कि एक बात आपको क्लियर बता दूं अविश्वास प्रस्ताव की जहाँ तक बात है वो खत्म कहाँ हुआ है हाँ। वो तो भैया चल रहा है ना अच्छा वो कहाँ खत्म हुआ है ठीक है वो चलता है कोर्ट में एक कोर्ट आता है उसके ऊपर दूसरा कोर्ट होता है कई बार कोई मैनेज कर लेता है कोई कैसे कर लेता है सिस्टम कई बार कोर्ट को भी मिस इंटरप्रिटेट किया जा सकता है ये तो सारी चीज़ें इतिहास गवाह है इस बार इन बातों को लेकर तो वो बात ख़त्म नहीं हुई है लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारा विरोध अगर चलता रहे तो उससे शहर का विकास ना रुके उसकी गति ना रुके उसके लिए हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं हमें भी लोगों ने चुना है अब ये लोग दूसरे तरीके से विरोध करते हैं ये करते नहीं हैं शहर के विकास में ऑब्स्टेकल बनते हैं ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट में सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कहाँ गलत है जहाँ गलत है हमारा विरोध है और आने वाले समय में भी वो विरोध जो है वो जारी रहेगा और बहुत जल्द मेरे ख्याल से और बहुत कुछ हो जाएगा मीटिंग का मकसद था यह मैं आपको माध्यम से पहले भी कहता रहा कि जो हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने गवर्नर साहब ने और माननीय प्रधानमंत्री साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी
जो हमारे एमपी भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो प्रोजेक्ट हमें जो सेंक्शन दी थी उन्होंने, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने आज हाउस के अंदर मीटिंग बुलाई थी। प्रोजेक्ट हमारे सेंक्शन थे, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करने के लिए आज हमने हाउस की मीटिंग बुलाई। हाउस के अंदर 21 में से 20 काउंसलर हमारे यहाँ आए और 20 के 20 काउंसलर ने सर्वसम्मति से इस कठुआ के विकास के लिए उन्होंने उन प्रोजेक्टों को पास किया, जिसमें आपके माध्यम से मैं पहले भी आपको बताया है बड़ा, और ये सारे प्रोजेक्ट हैं, सारे सेंक्शन हुए हैं। आज जो फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जिसके एस्टिमेट बनने थे, टेंडरिंग होनी थी, आजकल टेंडर लगते हैं जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ना हो, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आज यहाँ हाउस के अंदर हो गया। और ये जो काम है, बड़े बड़े काम, 5-5 करोड़ रुपए के, 5 करोड़ की हमारी मल्टी स्टोरी पार्किंग, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक के अंदर हमारा इतना बड़ा कम्प्लेक्स बनने जा रहा है, काम लगा हुआ है, उसके लिए जो बाहर से ग्राहक आएंगे गाड़ियाँ लगाने के लिए, हमने पुलिस स्टेशन के साथ ही एक रास्ता बना के हमारी काउंसिल ऑफिस के पीछे 5 करोड़ की ये मल्टी स्टोरी पार्किंग बनानी है। 5 करोड़ पे हमारा सेंक्शन हुआ है सीवरेज के लिए, जो शहर के अंदर अंडरग्राउंड नाले बनाने हैं। ये 5 करोड़ सिर्फ सेपरेट है, उसके बाद और बताता हूँ। उसके साथ साथ जिस ऑफिस के अंदर बैठे हैं 125 लाख रुपये जहाँ लगना है इस दफ्तर को एक्सटेंशन करने के लिए, टाउन हॉल के लिए 75 लाख रुपया, जो हमारा न्यू मॉडर्न तरीके के साथ उसको बनाएंगे टाउन हॉल के लिए, जो साउंड प्रूफ होगा, वो हमारा सेंक्शन हुआ है। हमारा म्यूनसिपल काउंसिल का जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे पहला गेस्ट हाउस होगा जो हमारा बन चुका है। और जहां मैंने पहले भी आपको कहा, रेडियो स्टेशन रोड से लेके ड्रीम पार्क से होते हुए सावन चाकर गुरुद्वारा सिंह सभा से होते हुए डी बन तक, अरावी के किनारे तक जो हमारा पाथवे बनना है, तकरीबन 3 करोड़ रुपए के करीब वहाँ लगना है, उसकी सेंक्शन यहाँ हो गई। क्योंकि वो पाथवे बनेगा जब पूरा आर्ली बांड पार्ली बांड पूरा इलाका उसमें आएगा और लोग सुबह सैर करेंगे और वहाँ बैठने के लिए हर 100 मीटर के बाद एक हम